हाय किड्स, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे बच्चे? हाउ आर यू डूइंग एवरीबॉडी? आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फैबुलसली वेल। गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम, नॉट सीन नॉट हर्ड। कैसे हो चुन्नू मुन्नूज? गुड इवनिंग। हाय आयुषी, प्रज्ञा, अदिति, सलोनी। तो चलिए फिर मॉलस का शुरू करते हैं। कल आपका टेस्ट होगा एनिमल किंगडम का। व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ वी मस्ट बी कवरिंग इट। सो टुमारो यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट टुडे बिफोर वी मूव ऑन टू द टेस्ट, लेट अस मूव ऑन एंड डू द एंटायर एमसीक्यूज। आई एम वेरी वेरी गुड, बट आई एम अ लिटिल टायर्ड बिकॉज देयर इज सो मच वर्क गोइंग ऑफ पैकिंग एंड ऑफ मूविंग, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू बैंगलोर द फिफ्थ टाइम इन 20 डेज। आई एम जस्ट गोइंग क्रेजी, बट इट्स अ वेरी गुड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू बैंगलोर बिकॉज आई एम गोना बी सीइंग माय लवली मैस्कॉट्स हू हैव बिकम द नीट 2021 टॉपर्स। इट्स गोइंग टू बी जस्ट सो फैबुलस। यस, my voice should not be low. I hope you're all able to hear me. I hope you're all able to see me. Good evening. Vani Sutva Vedanti, my official Instagram ID hai. Koi bhi problem hai, you can get in touch with me on Telegram, Instagram. My regular batches are starting. Aur aaj shaam ko main aapko padhaungi DNA replication. But before I move ahead, make sure that you like, share, subscribe. You hit the like button. Everybody, make sure that you're liking. Kal aapka Animal Kingdom ka ek test bhi rakh do. शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और चलिए आगे चलते हैं। एंड गाइस रिमेंबर, व्हाट्स द कोड? द कोड इज वीडी प्रोबो। यस, व्हाट्स द कोड ब्रो? इट्स सिंपल, वीडी प्रोवाइड्स अ कोड देयर सो दैट यू कैन कम एंड टेक द डिस्काउंट्स। अगर आप सिर्फ 15 डेज की फीस भरोगे उसके साथ आपको 15 डेज फ्री मिलते हैं। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन 15 डेज कॉम्प्लीमेंट्री 15 डेज आपको फ्री मिलते हैं। और आपको पता है टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, यू कैन गो एंड सी ऑल दीज टेस्ट्स व्हिच वी हैव। आप जाइए, टेस्ट में पार्ट लीजिए एंड ये सारे टेस्ट, काफी सारे टेस्ट आपके लिए फ्री है। और ये आप जाकर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री फॉर यू। चलिए तो मॉलस्क का स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। लेट मी गो हियर, लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट मॉलस्क का। लक्ष्मी जी थोड़ा सा जल्दी आ गए, बट नेवर माइंड, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम स्टडिंग टुगेदर। तो चलिए मॉलस्क का विद द बेस्ट लाइफ इन द कंट्री। टर्म वन के लिए भी जरूरी है, नीट के लिए भी जरूरी है। आई विल ऑल्सो टेक मेंटी ऑन सर्कुलेशन, पूरा कुछ आपको करवा दिया जाएगा। प्लीज डोंट वरी। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग। हैव यू ऑल लाइक्ड? हैव यू ऑल शेयर्ड? हैव यू ऑल सब्सक्राइब? इजरम, राखी, खुशी, कृष्णा, कृष्णा वेनी, हेमा, मोलस्का। सबसे पहले आपको जो स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत मोलस्का पढ़ाया होगा, इसका मुझे एक सिंपल, सबसे सिंपल इसका एग्जाम्पल लिख के बताओ। चलो इसका एग्जाम्पल लिख के बताओ। चलो एंड आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कहाँ? इन द मेन कमेंट सेक्शन, मेन कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबडी? स्नेल फाइला, मेन कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए। आप मुझे लगभग अपनी डेली रूटीन लिख के बताइए। आप कितने बजे गेट अप करते हैं, कितने बजे यू गो ऑफ टू स्लीप, कितने बजे आप पढ़ने बैठते हैं, आपका अप टाइम क्या है, आपका स्लीप टाइम क्या है, बीच में आपका स्कूल टाइम क्या है, आपका कोचिंग टाइम क्या है। आई वांट टू सी हाउ मच इट इज। एंड उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी टाइम क्या है। So please make sure that you write this down in the main comment section. I will not be able to read so many comments now. Please make sure that you put it down in your main comment section. Let us come to mollusca. Iska sabse common example hai the garden snail, jisko hum pila kehte hain. I was in Maharashtra, aur aapko pata hai Maharashtra mein jab main thi, ye mere sare plants kha jata tha. Tab humne iska naam rakha tha. Maharashtrians call it Gogul Gai. How many of them are here? Maharashtrians who remember that snails are called as Gogul Gai. So let us come to phylum mollusca. In phylum mollusca, the body consists of two parts, the head, foot and visceral mass. This is the foot, ये जो होता है जैसे snail ऐसे ऐसे करती है, right? Suppose ये करिए head है and this is the shell जिसके अंदर है visceral mass. So let us say this is head, let us say this is foot
And let us say this is the visceral mass. Visceral mass. Is that clear, everybody? The mantle, the shell secretes a calcareous shell. Yeah, shell hota hai, shell. Shell. The shell is made up of calcium. Kiska shell bana hua hai? Please tell me. It's made up of calcium. And it covers the hollow internal mass. Viscera is the hollow internal mass. The hollow internal mass. It is being covered by it. Mantle cavity functions in excretion and gaseous exchange. जो ये mantle cavity है, जो covering है, उसी से excretion होता है. Can you, आपको एक word सिखाती हूँ मैं. उस word को कहते हैं torsion. क्या कहते हैं उस word को? Torsion. तो मान लीजिए ये snail है. And you know ये tube है, digestive system, ये घूम जाएगा. And इसके बाहर shell है. So this, the internal organs are twisted. In next 4-5 days, I'll be back on the board, okay? The internal organs are twisted. This is called as torsion. Right, Himanshu? I'll be back on the board in the next 1 week's time. It's called as torsion. So internal organs are twisted. Gaseous exchange, aapka excretion happens through the mantle cavity. Elimination of digestive. It is bilaterally symmetrical. Radial nahi ho sakta. You can cut it in two halves like this. So it is bilaterally symmetrical. Is that clear, Suhani, Aksha, Dipanshi? It is bilateral. You can only cut it in two halves like this. So it is bilaterally symmetrical. Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? Pakka? Promise? Is it clear? Promise work. Done? Perfect. 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 Chaliye then. Chaliye. Chaliye aage. I'm reading your comments. Chaliye. Okay. Let us move ahead. So bilateral symmetry is coelom is reduced to cavity surrounding the. अब ये coelom क्या होता है? Coelom इसकी cavity होती है. Manisha जी, Tanya जी, Ridhima जी, yo ma'am हो गया. अब बेटा जो इसकी body है, मैं इसकी एक और diagram बनाती हूँ आपकी. जो भी इसकी body है, मान लीजिए अगर ये इसकी body है, इसकी body में hollow cavities होती हैं. जब भी hollow cavities आती हैं, आपको पता है there are three things. A coelom में जिनके पास cavity नहीं होगी, pseudo coelom में जिनके पास false cavity होगी, जिनके पास असली cavity होगी, we are going to call them coelomate. So you have coelom. So इस coelom में heart, nephridia for excretion, gonads होते हैं. और जो इनकी tongue होती है ना बेटा, this is the most important thing. MCQs में पक्का आता है. It's very important. मान ली, ये इनकी tongue है, मान लीजिए इनकी tongue के ऊपर ऐसे wood cutter की तरह, wood को cut knife की तरह ऐसे small small blade like structures होते हैं. This is referred to as radula. Do you know that they can also digest stones? So they are coelomate. They have coelom for the nephridia. They have coelom, which is there for the heart. They have radula, which is meant to scrape pura khane ko digest karne mein help karti hai. Is that clear? Let us now move forward. Phylum Mollusca. It is the second largest phylum after Arthropoda. This is an MCQ question. Please remember this. 60,000 species are there. The study of mollusks is called as malacology. It is very important again. They have different types of shells. Now they have different types of shells. This is an octopus. Right, everybody? It is called as conchology. Phyla is basically your water snail, your basic snail. Then you also have something which is called as pink tada, which is nothing but oyster. So malacology aapko pata hona chahiye, conchology aapko pata hona chahiye, and obviously it is the second largest phylum aapko pata hona chahiye. Habitat ye pani mein paaye jate hain. Usually which water is it? Salt water or sea water? Octopus aapne dekh liye, daant ki tarah dikhta hai. This is like a tusk of an elephant. This is called as dentalium. This is nothing but octopus.
Octopus, one of the most intelligent organisms ever. But they can also be found in fresh water, they can also be found in land. For example, phyla is land, terrestrial phyla. Body mein koi segments nahi hote hain. Right everybody? Sirf ek segmented mollusk hai jiski body mein segments honge. Uska naam hai Neophyllina. Very important because it is basically a exception. Done? Sanju, Aksha, Chikbena, Pranjali, Rakhi, Abhinav. I will also put my video on the left side, but now text is coming on the left side of the screen. Okay? Are you all understanding? Write it on the chat section, please. Now, is this fine? On the left side, I put my video. Is it fine, everybody? Can you all hear me and see me? Perfect. Body wall mein single layered of epidermis hoti hai. The epidermis usually has cilia and unstriped muscle. There are no striated muscles. They are unstriped muscles which are found in the bundles in body wall. Can you see the shell, snail? Can you see the shell of the snail? Can you see the body of the snail? Can you see the foot of the snail? So they do have organs. If you remember, I've taught you sponges, cellular level of organization. They do have body organ system of classification. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? Are you all getting my point? Are you all getting my point, everyone? Yes, ma'am? Perfect. Bilateral symmetry. Bilateral symmetry. दो हाफ्स कर सकते हैं आप इसके बायलैटरल. मैंने अभी बोला, डिड आई एक्सप्लेन टॉर्जन? राखी, हर्ष, अक्षा, नित्या, हिमांशु, शिखा, 1034 वेदन बायोटोनियंस क्लियर द नीट एग्जाम दिस ईयर. इट्स मैसिव. टॉर्जन क्या है? इसके शेल जब घूमेगा, व्हेन द शेल इज गोइंग टू ट्विस्ट, इट इज ऑल्सो गोइंग टू ट्विस्ट. Twisting. So did I tell you how the organs are going to twist inside? When the organs are going to twist inside, that is called as torsion. Internal organs will undergo a twisting. When the internal organs undergo twisting, that is called as torsion. Iske paas teen germ layers hoti hai. Ecto, meso, endo. That is called as triploblastic. क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक. एंड में वीडियो भी आने वाला है. यू नो इन द एंड मैं हमेशा एक बहुत अमेजिंग वीडियो प्ले करती हूँ. कल आपका टेस्ट भी है. बॉडी पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ हेड विद सेंस ऑर्गन्स. बॉडी पार्ट्स क्या है? हेड विद सेंस ऑर्गन्स. राइट नाउ हम्प कंटेन्स ऑर्गन सिस्टम. ये हम्प है, ये हम्प है. इसमें क्या है? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स राइट. ये फुट है. कैन एनीबॉडी टेल मी द फंक्शन ऑफ फॉर वॉकिंग? ये ऐसे ऐसे करके स्नेल्स देखो पीछे निशान छोड़ती हुई जाती है. लोकोमोशन. तो जो आपको ये फुट बन के दिया है, ये फुट, दिस इज बेसिकली फॉर लोकोमोशन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और बेटा स्पेस जो है, जो ये हम्प और कैविटी के बीच में स्पेस है, ये जो छोटी सी स्पेस होगी, ये आपका शेल होगा, उस स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं. एक फोटो दिखाती हूँ आपको, एक फोटो दिखाती हूँ आपको. राइट, पहले बताओ ये क्या है? ये ऐसे ऐसे शार्प नेल्स की तरह बाहर क्या आ रहा है? मैंने आपको अभी फोटो, रेड्यूला. रेड्यूला, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन ईटिंग. और यहां पे मेंटल कैविटी, ये अगर आपका शेल है और नीचे द हम्प इज देयर, देयर इज अ मेंटल कैविटी. द मेंटल कैविटी हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सौरदीप इज न्यू, अक्षा, श्रेया, संजू, तान्या, यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो आपके पास जो मेंटल कैविटी होगी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन रेस्पिरेशन. ये शेल है, शेल हमेशा बाहर एक चिपचिपा शेल होगा. शेल किसका बना होगा? शेल किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, MCQ. वी कैन टेक आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल्सो कॉन्चोइलिन प्रोटीन. शेल इज आउटसाइड, एक्सटर्नल मोस्ट. इट कैन ऑल्सो बी इंटरनल, वेरी इंपॉर्टेंट. स्लग्स, कटल फिश जो एनिमी के ऊपर इंक छोड़ देती है, स्क्विड्स विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. राइट,
internal skeleton is found in slug. Please write this down. They have a shell. The shell is made up of calcium carbonate and conchoilin. I'm repeating everything 3, 3, 4, 4 times. The shell is made up of calcium carbonate or conchoilin. All right. Calcium carbonate or conchoilin protein. Shell can be external, most mollusks like your snails, internal slugs, may cuttlefish, the one which has inglands, and squids, which are very intelligent. There is no shell in octopus. There is no shell in octopus. Octopus ke paas ek bhi shell nahi hota hai. Iske baad main morpho anatomy start karwane wali hu. Respiratory system. Inke paas फेदर शेप के गिल्स होते हैं. इनके पास फेदर शेप के गिल्स होते हैं. फेदर शेप के गिल्स को स्टिनीडिया कहा जाता है. स्टिनीडिया क्या कहा जाता है? स्टिनीडिया. इनसे एक्सक्रीशन भी हो सकता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी शुरू में. फोटो में मैंने आपको डेंटेलियम दिखाया था. डेंटेलियम क्या दिखाया था मैंने आपको शुरू में एक फोटो में? डेंटेलियम. ये देखिए डेंटेलियम, मैंने बोला था दांत की तरह दिखता है, देखिए डेंटेलियम. अब मैं आपको डेंटेलियम के बारे में बताती हूँ. सो यू ऑल्सो हैव डेंटेलियम जो मेंटल उसके कवर से रिस्पायर करता है. पाइला जो होता है जिसको हम नॉर्मल स्नेल कहते हैं, इनके पास लंग्स होती है बिकॉज पाइला लिव्स ऑन लैंड. अगर वॉटर में है तो गिल्स होंगे, अगर लैंड में है तो ऑब्वियसली इनके पास लंग्स होंगे. आई विल ऑल्सो शो अ वीडियो नाउ. दे हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स देर आर नो ब्लड वेसल्स फॉर एक्सक्रीशन. दे हैव मेटानेफ्रीडिया. एक पेयर्ड किडनी है, उसका नाम मेटानेफ्रीडिया है. मेटानेफ्रीडिया, ये ऊपर इनका शेल है, ये माउथ विद रेड्यूला है, ये एनस है, राइट. दिस इज द मेंटल व्हिच इज गोइंग टू सिक्रीट द शेल. इस मेंटल के बीच में ऊपर जो स्पेस होगी उसे मेंटल कैविटी कहते हैं, जहां से रेस्पिरेशन होता है. दे हैव अ ग्रुप ऑफ नर्व्स फॉर नर्वस सिस्टम. ऑक्टोपसेस आर वेरी इंटेलिजेंट. इट इज कॉल्ड गैंग्लिया. इनके जो ब्रेन के पास, सर के पास जो ग्रुप ऑफ गैंग्लिया नर्व्स होती है उनको सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं. जो ऑर्गन्स के पास होती है विसरा, जो लंग्स के पास होती है प्लूरा. इट्स अ ग्रुप ऑफ नर्व्स. अगर ग्रुप ऑफ नर्व्स पैर के पास है पीडल गैंग्लिया. दे हैव आईज. दे हैव ऑस्फरीडिया व्हिच इज मेंट फॉर स्मेलिंग. स्नेल्स आर वेरी गुड विथ स्मेल. इनको सब पता चल जाता है कहाँ सब्जी लगी है, कौन सी सॉफ्ट घास है. दे हैव ऑफरीडिया व्हिच इज अ सेंसरी ऑर्गन फॉर स्मेलिंग. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनके पास स्टैटोसिस्ट होते हैं जो इनके बैलेंसिंग ऑर्गन है, जो इनके बैलेंसिंग ऑर्गन है विच आर रेफर टू एज स्टैटोसिस्ट. So, इसके बाहर से गाइस याद रखिए, एनिमल किंगडम इज अ वेरी वास्ट चैप्टर. वी बीन डूइंग इट फॉर 15 डेज प्लस. इसमें से पूरे चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे. सो व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, व्हाटएवर वानी मैम हैज टॉट यू शुड बी मोर देन इनफ. अब आप इसका वीडियो देखिए. वीडियो से पहले मैं आपको डिटेल में I also, let's look at the video and then I'll come back. ठीक है? Mollusks, like this garden snail,
It's just one of over 150,000 different mollusks that flourish today. But when they first appeared, over half a billion years ago, mollusks were but tiny creatures inching around under a protective shell. How did the struggle for survival create so many variations on their original body plan? They face a world of attackers, hungry for their protein-rich, sweet-tasting flesh. But mollusks have survived because their body parts manage to change as new challenges arise. The basic toolkit of a mollusk is evident in the abalone. Most mollusks have some kind of foot. For many, including the abalone, the foot muscle bestows mobility. When the foot brings them to food, mollusks eat by using a unique rasping tongue called a radula. Covering the vital organs is a fold of skin called the mantle. It's the mantle that secretes the trademark body armor of so many mollusks, the shell. The leafy hornmouth has developed just three well-placed ridges along its shell. These ridges add just enough thickness to foil a crab's attempt to get a shell-breaking grip. But since no shell provides perfect safety, some mollusks have added another method of defense. They've developed a means to outrun their enemies. An abalone spends most of its life clamped to rocks. But when escape is necessary, its muscular foot sets out across the bottom. The foot is a biomechanical wonder. With no bones for support, it can stretch out to crawl while holding on at the same time. The abalone employs its foot when a dangerous adversary is close by, such as the many-armed predatory sea star Pycnopodia. The abalone could clamp itself down, but then it would face the slow, suffocating torture of Pycnopodia's death grip. So the abalone, using just one foot, attempts to outrun Pycnopodia, which has more than 10,000 tube feet, all moving with lockstep deliberation. Because the abalone's foot is attached to its shell, it can twist with powerful torque and wrench itself free when its pursuer catches up. But competition has driven other mollusks to turn this defensive tool into a weapon that kills. Where cockles are abundant, they attract the attention of a more aggressive mollusk. The moon snail can inflate its foot to four times the size of its entire shell, a foot that serves as both a burrowing tool and a predatory weapon. The cockle, however, has a few tricks of its own. Its foot is a powerful digger,
but it can also kick away forcefully when danger approaches. If the moon snail loses its hold, it can also burrow down and surprise a buried cockle. This time, the aggressor succeeds. The moon snail's enormous foot begins to smother the hapless cockle. Even a hard shell can't stop the well-equipped moon snail, which can drill right through to feed on the animal within. The need to procure a meal is a driving force in nature's arms race, and mollusks have evolved an astonishing variety of feeding tools for the job. Peering inside an abalone's mouth, we can see one of nature's brilliant and bizarre creations. It's called a radula, a rasping ribbon of teeth like a chainsaw blade. In some mollusks, these teeth contain a hard iron mineral that grants them supreme durability. This electron micrograph of the abalone's radula shows why it's so adept at tearing through kelp. Other mollusks have evolved radulas suited for different tastes. This one opens barnacle shells. This one can scrape through animal flesh. The compulsion to eat and to avoid being eaten has inspired endless invention. The war began among bottom dwellers confined to the sea floor. Oh my God, did you see that? Yes? This was phenomenal, isn't it? Oh my God, this was like super duper phenomenal. Did you see the radula? Did you see how it, yes? चलिए तो अभी आपका मॉलस्क लगभग पूरा हो गया. हाउ यू नो टॉर्जन आपको समझाया, ट्विस्टिंग आपको समझाया, फुट आपको समझाया. So this was amazing. You'll be able to understand everything. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ before I actually move forward. And then when we are going to move forward, आपको पता ही है what we are going to do. We are going to be doing the MCQs. Menti आने वाला है अगले दो मिनट में आपकी स्क्रीन. CBSE term 1 का crash course आ चुका है. चलिए CBSE term 1 में आपका interest नहीं है, school का exam है. NEET में तो interest है. अगर आपने physics chemistry नहीं किया मेरे बच्चों तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना रैंक नहीं आएगी. नीट प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो, यू विल गेट माय क्लासेस. बट डोंट टेक इट फॉर माय क्लासेस, डोंट टेक इट फॉर बायो, वो तो आप वैसे ही कर लोगे. टेक इट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंग्लिश इन दी सेपरेट बैचेस. एक एक टॉपिक के हजारों माइक्रो कोर्स, 20 आवर्स इन वन वीक विद वानी मैम्स क्लासेस, 14 बुक्स आपके घर पे होम डिलीवर्ड, हजारों माइक्रो कोर्स, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, आपकी क्लास में क्लास टीचर्स जो आपके डाउट्स लेंगे, दिन में 50-50 डाउट से ज्यादा पूछ सकते हो. ये सब कुछ 1300 रुपए में फॉर वन मंथ. 15 डेज का प्राइस है वानी मैम का कोड लगाने पर मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, 15 डेज के बाद 15 डेज फ्री है. सो इट इज अ टोटल ऑफ वन मंथ फॉर 1300, मतलब 200 रुपए भी नहीं देने एक सब्जेक्ट के, 2 रुपए प्रति घंटा. कैन यू इमेजिन? डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइज. I will show you what you have to do for it. तो ये आपकी क्लास चल रही है, आपको सिर्फ क्लास के नीचे जाना है. That's all that you have to do. Please don't miss it. Go here. Term 1 crash बोलिए मुझे लेना है.
या आपको 11th 12th, या आपको नीट 2 years लेना है, बेस्ट इज नीट 2 years, उसके साथ तो टर्म वन क्रैश भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 15 डेज फॉर 1350 इसके साथ, और 15 डेज फ्री है, 15 डेज इज फ्री, राइट? सो 1 month इज अवेलेबल फॉर 1350, कोड आपका वीडी प्रो है। अब आ जाइए menti.com, ओपन कीजिए, कोड है 7443-8590, आइए 7443-8590। यस बेलुगा जी, आप बहुत लेट हो गए बेटा, मॉलस्क का खत्म हो गया, मेंटी क्विज स्टार्ट हो गया, 7443-8590। सेवन डबल फोर थ्री एट फाइव नाइन जीरो क्विकली। क्वेश्चन नंबर वन, मेंटल फुट एंड रिस्ट्रिक्टिव सीलोम इन पेरिकार्डियम। अरे यार ये तो अभी पढ़ा है, वेरी वेल डन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ फाइलम मॉलस्क, नॉट अ क्लास, नॉट अ क्लास, नॉट अ क्लास, नॉट अ क्लास, गैस्ट्रोपोडा, स्कैफोपोडा, डेकापोडा, सेफलोपोडा, डेका, गैस्ट्रो, डेकापोडा, वेरी वेल डन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलस्क, नॉट अ मॉलस्क, नॉट, सी लेमन, सी हेयर, इजी है यार, सी फेदर, सी माइका, सी फेदर, इज इट नॉट इकाइनोडर्माटा, चलिए नेक्स्ट वन, कम ऑन किड्स यार, आई थिंक यू कैन इजिली डू दिस, एलिफेंट टस्क शेल इज मेड अप ऑफ, एलिफेंट टस्क, डेंटेलियम, नाउटिलस, लाइमैक्स, ऑटोमो, ऑक्टोपस, ये तो मतलब इससे इजी तो कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं हो सकता। ओके सुहानी, आई सेड ओके सुहानी बेटा, मैं कितनी बार ओके सुहानी करूं, मैंने टाइप भी कर दिया बेटा, विद इन 1 second आंसर हो गया। अब हमें करना है रेप्लिकेशन शार्प एट 9 PM, टेंटेलियम वो तो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट,
Just let's finish this chapter as soon as possible and then we'll move on to morphoanatomy. That's on my mind. I have to do morpho. Most common most of the mollusks are terrestrial, freshwater, marine, none of these. Ye line abhi humne padhi hai. 20 more seconds, but this is a very easy line. Abhi padhi hai. मॉर्फोलॉजी सबकी प्रॉब्लम है. ठीक है जी, मॉर्फोलॉजी कर लेंगे. ठीक है जी, मरीन. ठीक है, मॉर्फो शुरू करा दो फिर. पहले तनु अनु क्लिप्पी कृष्णवेणी एल्मो आना शिवम सेबेस्टियन थोमेश मिस्टी साक्षी एंड गर्लॉक. परफेक्टो द जिलेटो द विलेटो. प्लीज गो अप्लाई द कोड बीडी प्रो. क्लास में आ जाओ. और अभी इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं. सी यू शॉप एट 9 o'clock. खाना खा लो, जल्दी वापस आ जाओ 9 o'clock. बाय किडीज, टेक केयर, बाय बाय.